गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आवाज आ रही? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, आ रही है। ओके ओके। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे लूप, जिससे हमने फॉर लूप आपको पढ़ाया हुआ था, और साथ में या फॉर लूप बताया हुआ था, फॉर ईच बताया था, सिंपल बताया था, इनफिनाइट बताया था, और साथ में लेबल्ड लूप भी मैंने आपको बताया हुआ था एग्जांपल सहित कैसे लेबल्ड लूप को यूज करते हैं। आगे आज पढ़ते हैं व्हाइल लूप, जावा व्हाइल लूप। जैसे सी और सी प्लस प्लस में व्हाइल लूप पाया जाता था, वैसे ही जावा में भी पाया जाता है। तो जावा व्हाइल लूप यूज टू द इटरेट द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम। जो भी पार्ट है प्रोग्राम के, उसको कई बार यदि रिपीट करना है, उसके लिए हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। इफ द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट फिक्स, कोई नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स नहीं होता, कंडीशन पे डिपेंड होता है, इट इज द रिकमांडेड टू यूज द व्हाइल लूप। अपने अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स लगभग सभी लोग जानते हैं, फिर भी देख लें। व्हाइल कंडीशन और यहाँ पे कोड और क्लोज, इनिशियलाइजेशन इसके पहले होगा और कोड होगा, यहाँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी होगा। तो लगभग सभी को मालूम है, जैसे फ्लो चार्ट ऑफ ऑन लें कंडीशन, यदि कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट रिपीट होता है, और ये तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे फॉल्स होगी तो इसके बाहर हो जाएंगे। चलिए मैं समझा देता हूँ, उसके बाद एग्जांपल दोनों को बना लेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जैसे लिया, एक आई से चलाया, व्हाइल कंडीशन यदि आई जब तक वैल्यू टेन रहेगी तब तक इसको प्रिंट करता रहेगा, इसका इंक्रीमेंट पार्ट होगा। ऐसे ही इन्फिनाइट लूप भी इसको बना सकते हैं, यदि यहाँ ट्रू लिख देंगे तो इन्फिनाइट चलता रहेगा, ट्रू या वन लिख देंगे अब तो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। ये देखिए, क्योंकि ट्रू का मतलब होता है कंडीशन ट्रू वन, और वो कभी फॉल्स होगी नहीं। सेम ऐसे ही डू व्हाइल यूज होता है। डू व्हाइल का ये होता है कि ये भी सेवरल टाइम यूज कर सकते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, और नंबर ऑफ इटरेशन नॉट फिक्स, यू मस्ट हैव द एग्जीक्यूट द लूप ऑफ द एटलीस्ट वन। इसमें इटरेशन फिक्स नहीं होता, लेकिन एक बार लूप जरूर एग्जीक्यूट होता है डू व्हाइल। ये आप जानते हैं सी और सी प्लस प्लस में भी ऐसा होता था। क्यों होता है? क्योंकि एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, इसमें कंडीशन बाद में होती है और बॉडी ऑफ द लूप स्टेटमेंट पहले होता है। तो बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हो जाते हैं, यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो अगली बार वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। डू कोड और यहाँ पे जो भी आप इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसमें मेन बात होती है कि यहाँ पे कंडीशन जो होती है लास्ट में होती है डू व्हाइल, और इसके कंडीशन पे सेमी कॉलन होता है। स्टेटमेंट कंडीशन यदि ट्रू है तो स्टेटमेंट रिपीट होते रहेंगे, और यदि फॉल्स है तो सीधा बाहर हो जाए। इसको भी इन्फिनाइट बनाया जा सकता है, यहाँ पे ट्रू लिख देंगे तो इन्फिनाइट हमेशा लूप आपका चलता रहेगा।
ओके, इन दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बात करते हैं लेवल स्टेटमेंट। मैं एक एक एग्जांपल बना के आपको दिखा देता हूं रन करके। क्लास व्हाइल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आरजीएस और एक नॉर्मल लूप के लिए मैंने आई वेरिएबल लिया, यहाँ पे इनिशियलाइज भी कर दिया मैंने इसको वन, और इसके बाद सीधा अब व्हाइल लूप मान लीजिए हमको यूज करना है, तो इनिशियलाइज हुआ व्हाइल, कंडीशन चेक किया आई लेस देन इक्वल टू जहां तक हमको ले जाना है 10 तक, और कंडीशन को क्लोज किया, ओपन कर ली ब्रेक, यहाँ पे प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और आई की वैल्यू को हमने प्रिंट किया, इंक्रीमेंट हमको देना होगा आई प्लस प्लस सेमी कॉलन क्लोज ब्रेक मेन क्लोज और ये क्लोज, इसके बाद इसको सेव करना है। डब्ल्यू डॉट जावा से हम सेव कर देते हैं। मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया और रन किया, ये देखिए 1 2, अभी हमने यहाँ पे स्लैश एन नहीं लगाया था, यदि मैं यहाँ स्लैश एन लगा देता हूँ या प्रिंट एल एन लगा देते हैं जावा के अकॉर्डिंग, ये लाइन भी चेंज कर देगा। ओके स्टूडेंट, इसमें किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, इसी पे आपको एल एन नहीं चाहिए, मान लो लाइन चेंज चाहिए तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, प्लस करके आप बीच में कोई सिंबल या कुछ ऐसा प्रिंट कराना है वो भी आप दे सकते हैं आई, और इसी को नेस्टेड भी बना सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा इसको यूज कर सकते हो, इनके बीच में यदि स्लैश टी देना है तो स्लैश टी, और इसके बाद यदि स्लैश एन देना है तो स्लैश एन भी यूज कर सकते हैं, जो भी आप देना चाहें ऐसे भी आप बना सकते हैं। इसको सेव किया, कंपाइल, स्लैश टी, अच्छा डबल कोट, रन किया, ये देखो इस तरीके से भी आउटपुट ले सकते हैं, दोनों के बीच में स्पेसिंग कर दिया हमने वन और फिर वन टू वन टू, दो बार प्रिंट होंगे क्योंकि दो बार आई को हमने प्रिंट करा दिया इधर और उधर, तो आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं, एल एन इसमें चाहिए तो एल एन भी लगा सकते हैं, प्रिंटिंग की सुविधा आपके अकॉर्डिंग है कैसा आपको आउटपुट चाहिए। ये देखिए इस तरीके से वैल्यू प्रिंट हो सकती है हमारी, वन वन चूंकि दो बार हमने वही वैल्यू प्रिंट कराया, नेस्टेड लूप हमने यूज नहीं किया, टेन तक बीच में हैश साइन स्पेसिंग दे दिया। ओके, यहाँ कुछ प्रिंट कराना चाह रहे हैं आप वो भी प्रिंट करा, या ओके इसी में डू व्हाइल में बता देता हूं, डू व्हाइल के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डू यूज करना होगा और यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमको इसको अंदर ले जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कट किया और यहाँ पे ले गए, और यहाँ पे हमको इसको क्लोज करना होगा। डू व्हाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम प्रोग्राम
फॉर्म में सेव किया, कंपाइल, अच्छा सेमी कॉलन, डूआइल में आपको मालूम है सेमी कॉलन लगता है, इसमें हमको सेमी कॉलन लगाना होगा और रन किया। ये देखो यही प्रोग्राम डूआइल पे बन गया। ओके, इनमें कोई दिक्कत नहीं, तीनों लूप हो गए, फॉर लूप, डूआइल और डूआइल फाइल, नो प्रॉब्लम। एनी स्टूडेंट? नो प्रॉब्लम सर। वेलकम टू योर पीसी। ठीक है, आगे देखते हैं। जावा ब्रेक स्टेटमेंट, आपने ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ा है, कई जगह हमने यूज भी किया है, लूप के साथ भी यूज कर सकते हैं, स्विच के साथ भी कर सकते हैं, किसी भी जहां पे भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया जाता है उस कंट्रोल से वो बाहर कर देता है ब्रेक स्टेटमेंट आपका। जंपिंग स्टेटमेंट के अंदर जैसे ये डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, कंडीशन हुई और यदि ट्रू होती है यहाँ पे ब्रेक लिख देंगे तो सीधा यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन ब्रेक हो जाएगा, और यदि नहीं है तो फॉल्स जब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल ब्रेक स्टेटमेंट का, यहाँ पे समझिएगा लूप चलाया वन से कहां तक, टेन तक, आई प्लस प्लस, लेकिन बीच में चेक किया इफ की कंडीशन यदि फाइव मिलती है तो ब्रेक हो जाए कंडीशन, यानी कि लूप जैसे ही फाइव पहुंचेगा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और यदि फाइव नहीं मिलती है तब तक वैल्यू प्रिंट करेगा। सिंपल सा एग्जाम्पल, इसको रन करके चला देता हूं मैं। यहाँ पे हमने लिखा जावा सी और बी डॉट जावा या और जावा बी, ये देखिए वन से फोर तक लूप चला, जैसे ही फाइव कंडीशन मिली उसने ब्रेक किया और वहां से लूप आपका क्या हो गया, बाहर हो गया, और जैसे ही बाहर हुआ आपका बंद हो गया। ओके स्टूडेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, ये प्रोग्राम नोट करते जाना अपने नोट्स पे, कॉपी पे बनाते चलना है। ऐसे ही हम इनर लूप के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि एक से अधिक यदि लूप यूज कर रहे हो, ब्रेक तो कहीं पे भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि एग्जांपल दिया है आउटर लूप वन से थ्री चल रहा है, इनर लूप वन से थ्री चल रहा है, जैसे आई और जे की वैल्यू बराबर हो तो ब्रेक हो जाए, दोनों बाहर हो जाए, अदरवाइज आई जे प्रिंट होता रहे, ऐसा आउटपुट आपको मिल जाए। ब्रेक को भी लेवल लूप की तरह यूज किया जा सकता है, ये एग्जांपल मैंने कल बताया था, ब्रेक करके पहले ही बता दिया था, लेवल लूप फॉर लूप के अंदर ये लूप एग्जांपल मैंने समझाया था, आप लेवल निर्धारित कर सकते हैं, ब्रेक करा सकते हैं, ये लेवल लूप कहलाते हैं। जावा में लेवल लूप यूज किए जाते हैं, यानी कि जो हम लेवल निर्धारित कर देंगे वहां पर क्या कर देगा, ब्रेक। कई एग्जाम्पल इसके बनाए जा सकते हैं, डू व्हाइल व्हाइल के साथ भी इसको यूज किया जा सकता है, और इसके बाद आपको कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट की बात करें, जावा कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, जैसे सी और सी प्लस प्लस में कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट पाए जाते थे ब्रेक और कॉन्टिन्यू, उसी प्रकार से जावा में भी कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट पाया जाता है, ब्रेक का हमने यूज कर लिया, कॉन्टिन्यू भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे? ये एक एग्जाम्पल इसका मैं ले लेता हूँ।
एस, ब्रेक की जगह हमने कंटिन्यू लगाया है। अब समझिएगा आप, जहां पे हमने ब्रेक किया था उसकी जगह हमने कंटिन्यू किया है, सीधा क्लास का आया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिया है, एआरजी यस, इसके पैरामीटर लूप चलाया 1 से 10 तक, आई प्लस प्लस किया, कंडीशन को चेक किया, आई बराबर 5 है तो कंटिन्यू हो जाए, जैसे आई की वैल्यू 5 होगी कंटिन्यू होगा, अदरवाइज यदि ऐसा नहीं है तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी। इसको मैंने सेव किया और देखते हैं, या 1 2 3 4 ये देखिए 4 तक चला, और जैसे 5 मिला तो 5 प्रिंट नहीं हुआ, 5 मिला इसके अंदर गया और इसने फिर कह दिया कंटिन्यू, तो ये बाहर फिर जैसे जाएगा तो 6 से वैल्यू को फिर प्रिंट कर दिया, 6 7 8 9 10 तक, सिर्फ 5 प्रिंट नहीं हुआ है। 5 प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 5 वैल्यू जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को क्या कर दिया, जंप कर दिया, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे गया कंटिन्यू किया तो 6 से प्रिंट हो गया। यदि कंटिन्यू नहीं होता, यहाँ पे ब्रेक लगा होता तो यहाँ से लूप आपका क्या हो जाता, बंद हो जाता, 5 के बाद वैल्यू प्रिंट नहीं होती, क्योंकि कंटिन्यू यूज किया है इसलिए 5 के बाद फिर से वैल्यू प्रिंट हुई 6 7 8 9 10 तक। ओके स्टूडेंट, ये समझ में आया कि नहीं? आदित्य? यस सर, आ रहा है। आ गया ना, यदि यहाँ पे ब्रेक लगा होता तो यहाँ से आपका एग्जीक्यूशन क्या हो जाता, ब्रेक हो जाता, आगे का लूप एग्जीक्यूट नहीं होता। इसके पहले हमने देखा, क्योंकि ब्रेक की जगह हमने क्या यूज किया, कंटिन्यू, तो 5 छोड़ करके सीधा फिर 6 से उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। ओके यस सर, कंटिन्यू को भी लेवल्ड लूप की तरह यूज किया जा सकता है, और इनर और आउटर लूप में यूज कर सकते हैं हम। लेवल्ड लूप देखिए एक एग्जांपल उसका भी मैं बता देता हूं, देखिए यहाँ पे हमने क्लास कॉन वन लिया, यहाँ पे हमने बनाया या जीएस, यहाँ पे लेवल हमने निर्धारित किया ए और यहाँ पे बी भी। मैंने ब्रेक का एग्जांपल बताया था, ब्रेक की जगह मैं यहाँ पे क्या यूज किया हूँ, कंटिन्यू ए, ए से फिर से आपका लूप स्टार्ट हो जाएगा। आइए इसको सेव करके रन करके आपको दिखा रहा, ये देखिए अब आउटपुट को समझिएगा कैसे आउटपुट मिल रहा है। 1 1 1 1 यहां तक चला, 3 और 1 2 3, फिर इधर 2 आया, इधर 1 1 आया, 3 आया, 3 3 आया। अब आउटपुट आपको समझना है कैसे आ रहा है, कंटिन्यू कैसे कर रहा है। इसके लिए मैं स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। ये ब्रेक मैंने समझाया था आपको, ऐसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझाने जा रहा हूं आउटपुट कैसे मिलना।
अब समझिएगा थोड़ा सा। देखिए ये यहाँ से रनिंग हुआ, आई की वैल्यू वन हुई, थ्री हुआ, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे गया जे वन हुआ और थ्री तक चलना है। आई की वैल्यू टू तो है नहीं अभी, ना जे की है, इसमें जाएगा नहीं, सीधा यहाँ प्रिंट करेगा क्या आपका जे की वैल्यू, मतलब वन। ओके, लेकिन आई और जे दोनों दोनों के बीच में स्पेस हो रहा है, तो आई की वैल्यू वन है और इसकी जे की वैल्यू वन। फिर अगली बार जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू टू हो जाएगी, ये तो वन ही रहेगा, फिर ये वन रहेगा, जे की वैल्यू थ्री हो जाएगी। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट, क्योंकि अंदर वाला लूप कहाँ तक चलेगा, थ्री तक चलेगा और ये पहला वन तक चला। ये आ गया आदित्य? यस सर। ओके, अब देखो, अब सर एक बार और बता दीजिए, ये आई की वैल्यू वन है तो वन ही रहेगी, वन वन वन, और जैसे एस के अंदर गया तो सीधा जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, जे की वैल्यू पहली बार वन रहेगी, ये कंडीशन फॉल्स है, इसके अंदर जाना नहीं, तो आई और जे की वैल्यू प्रिंट होगी, तो आई की वन हुई, जे की वन हुई, फिर जे की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीमेंट किसका होगा, जे का होगा, तो जे की वैल्यू टू हो गई, आई की वैल्यू वही रहेगी, फिर जे की वैल्यू थ्री हो गई। अब आई की वैल्यू टू होगी, इधर आया टू हुआ जैसे आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू तो टू हो गई लेकिन जे की नहीं है अभी, तो यहां प्रिंट करेगा आई की वैल्यू टू और जे की वन। ओके, अब जब अगली बार जाएगा तो जे की वैल्यू भी टू हो जाएगी और आई की वैल्यू भी टू हो गई, इस कंडीशन को फॉलो कर दिया, यानी कि टू टू हो गया, जब टू टू वैल्यू हो गई तो इसको ये प्रिंट करेगा नहीं, कंटिन्यू कर दिया ए से। अब यहाँ पे आउटपुट समझना, यहां तक पहले आउटपुट मैच करो, ये देखो यहां तक नो प्रॉब्लम, फिर ये यहाँ पे टू और वन आया, अब टू की वैल्यू प्रिंट होगी नहीं, आई पे सीधे जंप कर गया, यानी कि इसके बाद सीधा थ्री की वैल्यू प्रिंट होगी, कैसे, यहां से सीधे यहां जाएगा तो आई का इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई का इंक्रीमेंट हो गया थ्री, जब दोबारा यहाँ पे आया तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, थ्री, और जे की वैल्यू हो गई वन, फिर आई की वैल्यू थ्री ही रहेगी, जे की वैल्यू टू हो जाएगी, फिर थ्री ही रहेगी और जे की वैल्यू भी थ्री, इस तरीके से ये आउटपुट मिला। ओके, इस तरीके से आउटपुट आपको मिला, ये जो है यहाँ पे सीधा यहाँ जंप कर दिया, जैसे ही कंडीशन ट्रू मिल गई, और जैसे कंडीशन ट्रू मिली तो उसको छोड़ करके जो आपका था आगे की वैल्यू क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई, इसलिए टू टू वाले का सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट हुआ, जैसे कंडीशन टू और टू बराबर मिली तो उसको उसने कंटिन्यू कर दिया इस लूप। ओके, एक बार समझिएगा फिर बताइएगा। ये लेवल्ड लूप कहलाते हैं, कंटिन्यू के साथ आप यूज कर सकते हैं इनको, ब्रेक के साथ यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने फॉर के साथ बताया, इसी प्रकार से व्हाइल और डू व्हाइल के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। एक सेंटेक्स ये बना लेना कॉपी में, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा लेवल्ड लूप का। ये देखो सीधा लेवल्ड लूप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर फॉर, इस तरीके से हमने सी और सी प्लस प्लस में पढ़ाया था, ब्रेक लिख देंगे सीधे और ब्रेक हो जाएगा। लेबल्ड लूप जब बनाते हैं, यहाँ पे ब्रेक लेवल वन कर दिया तो लेवल वन में जंप कर देगा, इस तरीके से हम लेबल्ड लूप को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इनके एग्जांपल आप देख लीजिएगा और यदि कोई एग्जांपल समझ में ना आए तो बताइएगा। एक मैं नेस्टेड लेवल लूप का एग्जांपल भी आपको बना के दिखा देता हूं। देखिए इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको, देख लीजिए थोड़ा सा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिया, यहाँ पे आई और जे को चलाया, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस के लिए दिया, यहाँ पे एक लोग लेवल लूप हमने यहाँ डिफाइन किया, एक यहाँ डिफाइन किया, यहाँ पे गए, जे की वैल्यू जैसे फाइव हो तो लेवल वन ब्रेक हो जाए, यानी कि फाइव तक चलेगा, जैसे जे की वैल्यू आपकी फाइव होगी ये सीधे इसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा।
ये देखो 5 तक सिर्फ लूप चला और उसके बाद इसको क्या कर दिया इसमें ब्रेक कर। तो आप इस एग्जांपल को भी बनाइएगा, समझिएगा, यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो बताना। ओके ओके स्टूडेंट। ओके सर। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, हमारी फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती हुई, मैं आपको एक बार सिलेबस भी चेक करा देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सिलेबस है हमारा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं फर्स्ट यूनिट में जो हमने पढ़ा, देखिए ये सी और सी प्लस प्लस जावा में क्या डिफरेंस था ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, देखा आपने। जावा एंड इंटरनेट ये आपको एचटीएमएल में मिल गया होगा, जावा क्या है आपको पढ़ाई दिया, इंटरनेट क्या होता, डब्लू क्या होता, तो मालूम है ना। हम जावा को इंटरनेट के साथ भी यूज कर सकते हैं, मैंने बताया था जावा के कई एडिशन आते हैं, वेब मतलब वेब बेस पे भी एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं, विंडो बेस भी बनाए जा सकते हैं, एंड्रॉयड बेस भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे ये बताना है कि जावा को हम इंटरनेट में भी यूज कर सकते हैं, जावा सपोर्ट सिस्टम क्या है, जो पैकेज मैंने लिखाए थे वो बताना है आपको, और आपको लिखाया था JDK JRE ये आपको सपोर्ट सिस्टम में बताना है, जावा एनवायरमेंट को क्रिएट करने के लिए, जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, टोकन से पढ़ लिया, स्टेटमेंट बताए थे, जावा वर्चुअल मशीन पढ़ाई थी हमने, कॉन्स्टेंट आगे मैं बता दूंगा, इसमें कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने के लिए फाइनल कीवर्ड का यूज किया जाता है, ये मैं बता दूंगा। कोई भी कॉन्स्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू होती है, यदि उसकी वैल्यू फिक्स करना है तो क्या लगा देना है, फाइनल, ठीक। और वेरिएबल आपने पढ़ा ही है, डेटा टाइप पढ़ लिया, टाइप कास्टिंग, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, इटरेशन, डिसीजन और ब्रांचिंग, लूप, जंप स्टेटमेंट बता दिया, लेबल्ड लूप बता दिया। तो यदि मैं बात करूं कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट सीधा सा होता है कि जैसे कॉन्स्टेंट PI की वैल्यू फिक्स होती है, कॉन्स्टेंट सी और सी प्लस प्लस में कॉन्स्ट की, सी में तो डायरेक्ट बनते थे, सी प्लस प्लस में कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके आप कॉन्स्टेंट डिफाइन करते थे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने के लिए फाइनल कीवर्ड का यूज किया जाता है। ओके तो कल ना होगा तो एक बार मैं बता दूंगा, इसके बाद सेकंड यूनिट हम चालू करेंगे। एक बार यदि फर्स्ट यूनिट में किसी को प्रॉब्लम हो सिलेबस चेक कर लीजिएगा, कल आप पूछ सकते हैं मुझसे फर्स्ट यूनिट में, कोई भी टॉपिक यदि समझ में ना आ रहा हो, इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे क्या सेकंड यूनिट। ओके ओके स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। यस सर।